सब समाधान स्वरूप होकर के बैठे हैं क्या? जो लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी के बारे में कहा गया है सचयुग में, तो ऐसा भी वाणी में आया है कि देवी देवता बुद्ध होते हैं। जब बुद्ध ही होते हैं तो डायनेस्टी कहाँ चलेगी? वहाँ ऑटोमेटिक सब चलता है संगम युग के शूटिंग के अनुसार अनुशासनहीन वहाँ कोई होता नहीं है। पहले जन्म में तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो अनुशासनहीनता की तो बात ही नहीं है, तो सब ऑटोमेटिक चलता है। उसके संस्कार यहाँ भर जाते हैं, जिनको दास दासी बन करके रहना है वो यहाँ संस्कार भर करके ले जाते हैं। उनको लगता नहीं है कि हम दास दासी हैं। वहाँ का तो गायन है यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब प्रसन्न रहते हैं। अनुशासनहीनता जब शुरू होती है दुनिया में तब द्वैतवाद शुरू होता है, जिससे अनुशासन बिगड़ता है। तब कंट्रोल करने की बात आती है, बाकी सतयुग त्रेता में कोई कंट्रोल करने की बात है ही नहीं। दो नदियों का गायन है, एक यमुना एक गंगा, और जैसे गंगा जैसे कमाल करके दिखाती है, लेकिन बाबा कहता है स्वर्ग वैकुंठ यमुना नदी के किनारे बनता है। हाँ जी, यमुना नदी के किनारे वैकुंठ क्यों बनता? यमुना नदी आदि में है, और यमुना नदी के किनारे पर ही एडवांस ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है। तो जहां से फाउंडेशन पड़ता है वहीं प्रैक्टिकल में स्वर्ग में स्थापन, स्वर्ग भी स्थापन होता है। यमुना नदी और गंगा नदी दोनों की मिट्टी में खास फर्क क्या है? यमुना की देह अभिमान की मिट्टी चिपकने वाली होती है, और गंगा की मिट्टी और रेतीली होती है, थोड़ा सा पानी डालो सारी धुल जाएगी, और चिकनी मिट्टी शरीर पे थोप दो या मुल्तानी मिट्टी तो चिपक जाएगी, छूटेगी नहीं जल्दी। तो स्वच्छ मिट्टी में स्वर्ग स्थापन करना बड़ी बात, या देह अभिमान की चिपकने वाली मिट्टी में स्वर्ग स्थापन करना बड़ी बात? सुधरे को सुधारा तो क्या बड़ी बात है? साधु सन्यासियों को आकर के पवित्र बनाया भगवान ने तो बड़ी बात नहीं है। साधु सन्यासियों में तो वैसे भी प्योरिटी की धारणा होती ही है, लेकिन जो गृहस्थ के कीचड़ में रह करके जन्म जन्मांतर के पतित बनने के आदि हुए पड़े उनको पावन बनाना ये बड़ी बात है। इसलिए यमुना के कंठे पर स्वर्ग स्थापन होता है। यमुना पहले पहले निमित्त बनती है स्वर्ग स्थापना के कार्य में, लेकिन पहले निमित्त बनने के बावजूद भी आज से अंत तक सहयोगी नहीं बन पाती, क्योंकि देह अभिमान की मिट्टी चिकनी है और गंगा अंत में सहयोगी बनती है, और अंत में आने पर भी
फास्ट जाती है, क्योंकि रेतीली मिट्टी है। पुत्र साहब ने वहाँ गंगा जी को वहाँ महत्व दे दिया, तो पानी रही जाती है। हाँ जी, वैसे ही दक्षिण भारत में बॉर्डर भी दक्षिण गंगा का हस्त कहते हैं, क्योंकि किसको लागू होता है चैतन्य तो चैतन्य गंगा नहीं होती होनी ही है। वास्तव में दक्षिण भारत गंगा बॉर्डर जो है वो किसको लागू होता है बाबा? उत्तर भारत में गंगा कहते हैं कि पतित पावनी है, पतितों को पावन बनाने वाली गंगा उत्तर भारत की प्रसिद्ध है, और दक्षिण भारत में गोदावरी को और कावेरी को दोनों को गंगा का महत्व दे दिया है। लेकिन महत्व देना एक अलग बात है, और पतित पावन बाप की जन्मभूमि प्रत्यक्ष होना अलग बात है। पतित पावन बाप भगवान की जन्मभूमि कहाँ मानी जाती है? उत्तर भारत में मानी जाती है, दक्षिण भारत में नहीं मानी जाती। हाँ, ये कहा जा सकता है। कि गोद में लेने वालों में जिसने वरीयता दी है वो है गोदावरी। जो भी दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं निकलती है, एडवांस ज्ञान में, उन सब को पालना देने के निमित्त बनती है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की धरणी जहां से होकर के गोदावरी नदी बहती है, इसलिए गोदावरी का महत्व ज्यादा हो गया है। बाकी ऐसे नहीं है कि जैसे गंगा को पतित पावनी मानते हैं, स्नान करते हैं, पर्व मनाते हैं, ऐसे गोदावरी में भी पर्व मनाए जाते हैं। भारत की सभी नदियों का महत्व है नंबर वार, लेकिन अव्वल नंबर महत्व है गंगा का। विदेश की नदियों में कोई स्नान करने नहीं जाता, भले कितना भी पक्का भारतवासी ब्राह्मण क्यों न हो, विदेश में जावेगा तो स्नान नहीं करेगा, और भारत में नदियों में स्नान करते हैं। ये परंपरा कहाँ की पड़ी? संगम युग में ये परंपरा पड़ती है, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है गंगा कहाँ से निकलेगी? कानपुर से निकलेगी या इलाहाबाद से निकलेगी? इलाहाबाद का नाम लेना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद में तो तीनों नदियों का संगम होता है। कानपुर जैसी नगरी जहाँ चमड़े का धंधा होता है, बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं, कितना गंदा पानी नदी में जाकर के मिलता है, उस शहर का नाम क्यों ले दिया? गंगा की उत्पत्ति के लिए, नदी प्रत्यक्ष होने के लिए है। बेसिक नॉलेज में भी गंगे दादी कहाँ से? कानपुर से। एडवांस नॉलेज में भी, एडवांस में जो बीज रूप आत्मा है वो भी कानपुर से प्रत्यक्ष होती है। और बाबा जो अष्टदेव है वो सभी जो उत्तरमाला में वो सब ब्राह्मण जाति के हैं, जाति के ब्राह्मण है। ये तो कोई बात नहीं, जैसे एक मान ने कहा ना कि जैसे ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण जाति के हैं।
त्रिदेव के लिए बोला है। विष्णु की मूर्ति में जो पांचों मूर्तियां हैं उनके लिए बोला है। तो सभी मूर्तियां ब्राह्मण हैं अंतिम जन्म में भी। क्या चाहे जगत पिता का पाठ बजाने वाला हो, चाहे जगत माता का पाठ बजाने वाली हो, चाहे वैष्णवी देवी का पाठ बजाने वाली हो, चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाने वाला हो, वो सब की सब मूर्तियां अंतिम जन्म में भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है। बाकी अष्टदेव जो हैं, वो तो नंबरवार हैं, एक जैसे नहीं हैं। वो अंतिम जन्म में जाकर के नंबरवार धर्मों में गिरते हैं, उनकी फिनिशिंग में अंतर है। अष्टदेवों की फिनिशिंग एक जैसी नहीं है बाबा। फिर जो मंदिर जो बनाया ना, बारह बरस लगा, 1200 बड़े किंतु जो मुंडी मारने के लिए 12 साल का लड़का मारा क्यों, और 1200 बड़े मार नहीं पाए क्यों? जो सूर्य मंदिर उड़ीसा का है, 12 साल बनाए, 1200 बढ़े, और मुंडी मारने के 12 साल का विश्व महाराणा का लड़का 12 साल का मुंडी मार पाया, कोई मार नहीं पाए क्यों? उनकी पूरी बात समझी किसी ने? सन 76 से एडवांस एनालिसिस शुरू होती है। जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि जब मूर्ति बनाई जाती है, स्थापन की जाती है, तो मूर्ति की लकड़ी 12 वर्ष तक पानी में पड़ी रहती है, काली पड़ जाती है, तब मूर्ति बनने के काबिल होती है। तो ये 12 वर्ष कहाँ से उठाए गए? एक है जगन्नाथ, एक है श्रीनाथ। तो सारे जगत का नाथ प्रत्यक्ष होता है 76 से, विश्व पिता 76 से लेकर के 88-89 तक 12 वर्ष पूरे होते हैं त्रेता युग की शूटिंग के। और जब ये 12 वर्ष पूरे होते हैं तो कृष्ण की आत्मा भी 100 साल पूरी कर लेती है, माना दादा लेखराज। और बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, बाप बच्चे को साथ साथ लेकर के चलता है। बाप स्वयं प्रत्यक्ष होता है या बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो ये 12 साल पूरे होते हैं जाकर के 89 में, इसलिए वहां की यादगार बनी हुई है। तो उस समय ये जो 12 वर्षों में मनन चिंतन मंथन हुआ है वो तीव्र कोटि का हुआ है। वो देह अभिमान की लकड़ी ज्ञान जल की धारा में 12 वर्ष बहती है, फिर मूर्ति तैयार होती है। बाबा बंगाल में दुर्गा पूजा का बड़ा महत्व है और महाराष्ट्र में ये बप्पा मोरिया का, इनको पहले इनकी मूर्तियाँ बड़े प्यार से ध्यान से सब बनाते हैं, फिर इनको समुंदर में बहा भी देते हैं, इसका रहस्य थोड़ा सा। इसका हमारे जो भी मूर्तियाँ हैं देवताओं की, वो मनुष्य थे कभी, मनुष्य से फिर अच्छे कर्म करते हैं तो देवता बनते हैं,
उनमें भी कोई मानवीय देवता बनते हैं राम कृष्ण जैसे देवता, और कोई जानवरियत वाले देवता बनते हैं जैसे हनुमान, जैसे अनेक भुजाओं वाली देवियां, जैसे गणेश जी, गणपति बप्पा भी कहते हैं। सीढ़ी में इन देवताओं को कलयुग में पूजा करते हुए दिखाया गया है, और मानवीय देवताओं को द्वापर युग में दिखाया गया है। ये जितने भी देवी देवताएं हैं, चाहे कच्छ अवतार रूप में हो, मत्स्य अवतार रूप में हो, बारह अवतार रूप में हो, गणेश रूप में हो, हनुमान के रूप में हो, देवियों के रूप में हो, ये सब सस्य रूपी रंगमंच पर अपनी अपनी करिश्माएं दिखाते हैं। संगम युग में भी ये अपने करिश्मे दिखाते हैं, लेकिन स्वर्ग कोई नहीं बनाते, ये सब नरक बनाने वाले हैं। और ये बात अंत में प्रत्यक्ष होती है जब एक भगवान बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, और ये सब झूठे साबित हो जाते हैं। इसलिए इनकी डूबी जा हो जाती है और एक सच्चा साबित हो जाता है। और बाबा ये बोला ये आपके जोड़ो जी तो दापुर जी से कुल जी तो पूजा होगा, जो वो एक एक आत्मा का मूर्ति एक एक रूप में पूजा होगा ना, बहुत रूप में पूजा होगा, जैसा जैसा पार्ट बजाया होगा वैसे वैसे पूजा होगी, अनेक मूर्ति के रूप में पूजा होता है। राम की आत्मा है, नारायण के रूप में भी पूजी जाती है और राम के रूप में भी पूजी जाती है, तो दो रूप में पूजा हो गई ना, इससे भी ज्यादा होता है जो नहीं हो सकती, जैसे जैसे जिसने पार्ट बजाए हैं वैसे वैसे पूजा होगी। थर्टी सिक्स से लेके 69 तक दादा देशराज के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता है? नहीं नहीं, वो पीरियड संगम लोक का पीरियड कहना ये गलत बात हुई। 36 से दादा लेखराज में परमात्मा शिव की प्रवेशता साबित नहीं होती है। 69 तक प्रवेशता रही, लेकिन 36 से नहीं, 47 से, जब से मुरली चलाना शुरू की है ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा, तब से ये साबित होता है कि इनमें बाप भगवान आते हैं। 69 तक? हाँ जी। तो ये जो पीरियड है इसको पुरुषोत्तम संगम जो कह सकते हैं कि नहीं? पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हुआ या पुरुषोत्तम नंबर बार प्रत्यक्ष हुए, नंबर बार बनने वाले? ये पुरुषोत्तम संगम जो का पीरियड नहीं हुआ जी। हम पूछ रहे हैं आपसे कि 69 तक पुरुषों में उत्तम बनने वाले 108 माला के मण के ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होना शुरू हुए? माने में अभी आया ना कि दादा देख, आप ये तो बताए, आप ये तो बताए, आप एक बात का तो जवाब दीजिए कि 69 तक पुरुषों में उत्तम बनने वाले नंबर वार 108 मणकों में से कोई प्रत्यक्ष हुए? वाणी में अभी आया ना, नहीं हुआ, नहीं हुए ना, तो इसलिए उसे पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। तो पुरुषोत्तम संगम युग कब से शुरू हुआ? तब से कहेंगे जब से पुरुषों में उत्तम बनने वाला पुरुषोत्तम नारायण प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि माला के मणकों में वो पहला मणका सबसे ऊंचा है। कौन से सर? 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल का गाया गया है? पुरुषोत्तम संगम युग नहीं गाया, संगम युग 100 साल का गाया हुआ है। पुरुषोत्तम संगम युग संगम बाबा है प्रभात में रामलीला। अभी उनकी समाधान तो हो जाने दो। वाणी में आता ना 100 साल संगम युग, संगम युग हाँ जी, उसके बाद संगम युग 100 साल का, संगम युग 60 साल का, संगम युग 40 साल का, ऐसे बोला है वाणी में। बाबा राम भाई प्रभात है, उनको संतुष्ट तो हो जाने दो। कितने साल का है जी पुरुषोत्तम संगम युग? संगम युग बहुत में बहुत करके 100 साल दो। कौन सी 76 से शुरू हुआ? 36 से लेकर के 2036 तक
सौ साल का संगम युग है। नहीं, आपने अभी बोला ना जी उसके पुरुषोत्तम संगम युग जो है हाँ जी हाँ, जब से हुआ तो पुरुषोत्तम संगम युग का कितना पीरियड है? पुरुषोत्तम संगम युग जो है वो पुरुषों में उत्तम उत्तम बनने वाली आत्माएं जब से प्रत्यक्ष होती है 76 से लेकर के, और इन आत्माओं की प्रत्यक्षता होती रहेगी 2036 तक भी प्रत्यक्ष होती रहेंगी। 9 लाख सितारे प्रत्यक्ष होंगे संसार के सामने। जो विनाश होगा बाबा, जो बोला दो बार विनाश होगा, जो पहले बोला था भी ममता में पहले रहेंगे, फिर वो बाद में ग्रेनाइट का जो पत्थर का पहाड़ है वो भी टूटेगा। विनाश के बारे में झाड़ के चित्र में दो जगह चित्रण किया गया है, एक है एटमिक विनाश जो लास्ट का बम बार होगा, और एक है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध जो सामने खड़ा है भारतवर्ष में। उत्तर भारत में रामलीला प्रसिद्ध है, उस रामलीला का विशेष क्या है? रामलीला का विशेष राम, राम बाप को भगवान कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा है। उत्तर भारत में बाप की महिमा ज्यादा है, इसलिए वहाँ रामायण का प्रचलन ज्यादा है, रामलीला का प्रचलन ज्यादा है। बाबा जमुना का आपने बताया ना आदि में, यज्ञ के आदि में भी बाबा बोलते थे। एक बंगिन निकली और वो आते ही बाबा से चिपक जाती थी, गले में लटक जाती थी सबके सामने। बाद में उसके परिवार वाले आकर के उसको लड़ झगड़ करके ले गए। एडवांस पार्टी में भी जगदम्बा तो बाद में निकलती है, जगदम्बा सरस्वती कहा जाता है, सरस्वती नदी बीच में आती है और बीच में लोप हो जाती है। तो कोई पहली माता कहो कन्या कहो वो पहले निकली, एडवांस में भी, एडवांस में भी बोलना है ना कोई 13 होना। हाँ, तो जगदम्बा जो है बाद में बनी है 13, उससे पहले कोई माता, उससे पहले कोई कन्या माता निमित्त बनी, लेकिन ज्यादा सहयोगी नहीं, नहीं बन सकी। तो अंत में बाबा जो गंगा का अंत में ज्ञान गंगाएं निकली हैं, अंत में अंत का गायन है ज्ञान गंगाओं का जो बोला है। अब्बल नंबर की गंगा के लिए बोलने का अब्बल का ही गायन होता है, दोहम टाइम को कौन पूछता है। ब्रह्मा बाबा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है और पार्ट में जाती है, तो गुलजार दादी का भक्ति मार्ग में कौन से रूप में गायन होता है, वो कौन सा कैरेक्टर है? कोई गायन नहीं होता, जब ब्रह्मा का ही कोई पूजन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करेगा उसकी मूर्ति कहाँ से बन जाएगी? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का ही कोई गायन नहीं है, गीता मंदिरों का गायन है, गीता पाठशालाएं बनी है संसार में लाखों की तादाद में है। ब्रह्मा का एक मंदिर है, वहाँ ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, जैसे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियां ही चित्र बना करके ट्रांसलेट का पूजा कर रही है, भगवान मान रही है, गीता का भगवान मानती है, ऐसे ही पुष्कर में वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो ही पूजा करते हैं, बाहर से जाने वाला कोई जिज्ञासु पूजा नहीं करता है, और शास्त्रों में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं दिखाई है, कोई मूर्ति नहीं बनती है, क्योंकि संसार उसको मानता है जिसने सिद्धि प्राप्त की हो, जिसके द्वारा कोई सिद्धि नहीं मिली, सफलता नहीं हुई, उसको दुनिया मानती नहीं है। बाबा हाँ बाबा, अभी आपने बताया ना 12 साल तक मिट्टी जो लकड़ी है वो मिट्टी में पड़ी रहती है, मिट्टी में नहीं पड़ी रहती है, पानी में पड़ी रहती है, पानी हाँ जी, फिर उसकी मूर्ति बनती है। हाँ जी, तो बाबा छाछी आपने बताया, छाछी मानते हैं, तो कौन सी मूर्ति बनती है?
है जो अभी की वाणियां चल रही हैं क्लेरिफिकेशन की, और जो सन 67 वो 88 89 तक जो अव्यक्त वाणियां जो मुर्गियों का क्लेरिफिकेशन चला था उसमें अंतर देखने में आता है। जो आज के क्लेरिफिकेशन की वाणियां हैं वो ज्यादा फोर्स वाली है और बाद वाली उतना फोर्स वाली वाणियां नहीं है। माना जैसे नदी की धारा जब पहाड़ से उतरती है तो ज्यादा स्वच्छ जल होता है और तेज धार होती है, या जब नीचे आ जाती है तब तेज धार होती है, तब तेज धार होती है। तो उस समय जो तेज धार में लकड़ी या पत्थर जो भी आपस में घिसते हुए आते हैं वो ज्यादा चिकने हो जाते हैं। एक बाबा दो जगदम्बा के दो रूप में बताए हैं, एक मांसाहारी एक वैष्णवी। मांसाहारी का क्या अर्थ होगा? मांसाहारी माना काली देवी। हाँ बाबा, महाकाली को ना, जो काली देवी चंडिका देवी जिसका नाम दिया है वो मांस मदिरा ये उसके भक्त जो हैं वो सब सेवन करते हैं, मांस भून भून करके खाते हैं देवी के मंदिर में। बेहद यहाँ भी बेहद में है ना, जो विचारे नहीं बनती हैं वो मांसाहारी हो गई। बाबा आपने क्या आप पूरी बात तो समझिए, यहाँ जो विचारे नहीं बन जाती हैं ज्ञान में चलते चलते दूसरे देहधारियों से कनेक्शन जोड़ना शुरू कर देती हैं वो हो गई मांसाहारी। और शाकाहारी माना एक बाबा दूसरा न कोई। वैष्णवी देवी जो है वो शाकाहारी कही जाएगी। लक्ष्मी बाबा। हाँ लक्ष्मी बाबा। वो महाकाली महाकाली की पूजा होती है ना, फिर वो निर्विकारी है, कैसे आपने कैसे बताया? तो वो तो निर्विकारी है, फिर मांसाहारी कैसे हुई? वो विकारी तो नहीं है ना, निर्विकारी। जगदम्बा जब सतो प्रधान है तो दुर्गा है, दुर्गति नाशिनी है, दुर्गुणों को दूर करने वाली है, और जब तमो प्रधान बनती है तब महाकाली का पाठ बजाती है। जो मुरली में भी बोला है जगदम्बा ही महाकाली बनती है, तो पहले बनती है या बाद में बनती है? बाद में बनती है। हाँ जी बाबा, कहते हैं कि अग्नि देवताएं नमः, जल देवताएं नमः, पृथ्वी देवताएं नमः, कि ज्ञान बारे में भी कोई होगी, चैतन्य में कोई आत्मा तो होगी। और क्या, जड़ की पूजा होती है? जड़ कोई जड़ पवित्रता को धारण करेगा? पूजा का आधार क्या होता है? पवित्रता। तो पवित्रता जड़ धारण करता है या चैतन्य धारण करता है? चैतन्य धारण करता है। तो जरूर कोई मनुष्य आत्माएं हैं जिन्होंने पवित्रता का धारण पवित्रता को इतना धारण किया है अपने जीवन में कि उनकी प्योरिटी की पूजा होती है। बाबा ये आदि सनातन देवी देवता हैं कि दूसरे दूसरे धर्म से हैं, जैसे अग्नि बोला है तो अग्नि वाली आत्मा जैसे जो बंसी से होगी। अष्ट देव जो हैं वो सूर्य वंश से होते हैं या दूसरे वंशों से होते हैं? तो ये पत्नी पैदा नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि आखिरी जन्म में जाकर के सब नीचे गिरते हैं, तो अष्टदेव भी आखिरी जन्म में जाकर के संग का रंग उनका खराब हो जाता है। बाबा बहुत ही पांचवी तो है और अष्टदेव अष्ट आठ है। हाँ ये अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये पांचवी तो हो रहे हैं, ये तो तत्व तो हैं। हाँ तत्व तो जो है वही सिर्फ देवता थोड़े ही होते हैं। वो पांच में तीन जोड़ा हुआ है, पांच रूप तो रावण के सिर दिखाई दे। हाँ तो जो रावण के सिर हैं जो पतित बन जाते हैं, प्रकृति जो पतित बन जाती है वो पावन बन करके स्वर्ग में नहीं होती? तो प्रकृति के पांच तत्व तो पावन नहीं बनते क्या? जब रावण के कंट्रोल में हो जाते हैं तो विनाशकारी बन जाते हैं, और जब राम के कंट्रोल में हो जाते स्थापनाकारी बन जाते।
पालना करने के निमित्त बन जाते। बाबा की सत्यु के आरंभ में भाषा होती है, कोई इशारों की होती है, जो अभी से बाबा की भाषा है वो चलती है वहाँ। हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी, लेकिन वहाँ ज्यादा बोलने की दरकार ही नहीं है। जैसे यहाँ बता दिया कि जो काम अभी मोबाइल कर रहा है, बेतार का तार करता है, वायरलेस करता है, वो काम तुम्हारी बुद्धि करेगी। तुम्हारी बुद्धि का कंसंट्रेशन ऐसा काम करेगा कि हजारों मील दूर बैठा हुआ व्यक्ति के वाइब्रेशन से तुम उससे बातें कर सकेंगे। तो गांधी जी है, नेहरू भी है, वैसे बेहद में भी गांधी नेहरू भी है। हाँ? में जो कुछ शूटिंग होता रहा तो फिल्म होता है ना। हाँ जी। तो भारत में मनमोहन सिंह पालन राज्यपाल करते हैं, करता रहा। हाँ? लेकिन क्रिश्चियन आत्मा इसको कंट्रोल करते रहते, इसका क्या क्या बात है बाबा? भारत को कंट्रोल करते रहते हैं तो क्या बात है? क्रिश्चियन आत्मा कंट्रोल करते रहते। तो अभी तो लास्ट में तो बताया कि क्रिश्चियन को प्रेसिडेंट बना कर बैठा देंगे। अभी तो फिर भी गनीमत है, मुसलमान को ही बैठाया हुआ है। ऐसा भी टाइम आएगा जो क्रिश्चियन को बैठा देंगे। क्रिश्चियन तो दो तरह के होते हैं, एक नास्तिक और दूसरे आस्तिक। और नास्तिक अगर बैठ गया प्रेसिडेंट के पद पर तो हिंदुस्तान का क्या हाल होगा? बाबा माया जब तक सिलेंडर नहीं होगी है तब तक अष्टदेव सिलेंडर नहीं होगा। अष्टदेव बुद्धि से सरेंडर नहीं होते, क्योंकि वो रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला के मणके बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं। क्या बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं या बुद्धू बच्चे हैं? बुद्धिमान बच्चे हैं। और बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, बनकर के आया हुआ है, है क्या? स्वदेशी है, स्वदेशी, लेकिन विदेशी बनकर के आया हुआ है। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चे इस समय डबल विदेशी बने पड़े हैं, इसलिए डबल विदेशी बच्चों के लिए बाप भी विदेशी बनकर के आया हुआ है। तो जब बाप भी विदेशी नहीं है तो बच्चे भी वास्तव में विदेशी नहीं है, आखिरी जन्म में आकर के नीचे गिर जाते हैं। तो जो स्वदेशी हैं उनका सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है, ये मुरली में बोला है। क्या? स्वदेशियों का हृदय सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। बाबा माया जो सरेंडर होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, अभी बताया कि बाप भी विदेशी बन करके आया हुआ है तो बच्चे भी विदेशी बन करके आए हुए हैं, लेकिन अष्टदेव हैं क्या वास्तव में? स्वदेशी हैं। तो जो स्वदेशी होते हैं उनके लिए मुरली में बोला है कि स्वदेशियों को सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है, माना जल्दी सरेंडर नहीं हो पाते, माने बुद्धि को अर्पण कर दें। ये स्वदेशियों की बस की बात नहीं है जल्दी। बाकी विदेशियों की क्या खास पहचान बताई? फॉरेन माना फॉरेन। तो माया फॉरेनर है या स्वदेशी है? फॉरेनर है, इसलिए उसको सरेंडर होने में देर नहीं लगती। बाबा सत्संग में बोले हैं कि पंछी जब आप पंछी पर बैठ के आकाश में उड़ेंगे तो ये सारा सा, तो बाबा पंछी पर बैठेंगे तो क्या उसको कष्ट नहीं होगा? जैसे माँ होती है और चार छह बच्चों को पालती है और उसके पेट पर चार छह बच्चे गबड़ी मचाते हैं तो उसे कष्ट होता है क्या? होता है? नहीं होता है। ऐसे ही जो पक्षी होंगे उन पंखियों की भी ये विशेषता होगी तो उनको और आनंद आएगा। एक बाबा और
गाय का जो दूध है बाबा तो क्या हम लोग खाना जरूरी है कैसे, क्योंकि आहार तो है उस बच्चे का जो गाय का जो बच्चा हुआ उसका आहार है, तो हम खा रहे हैं पी रहे हैं दूध को, तो क्या ये वास्तविक में पीना चाहिए? और दूसरे का आहार को अगर हम पिए तो और गाय को खिलाता कौन है? खिलाते तो हम जब खिलाएंगे तो लेंगे भी कुछ से कुछ पवित्र है अपवित्र है? एक आदमी बोलो, एक आदमी है गाजी को बताए ना पवित्र है अपवित्र है गाजी। एक है मांसाहारी देवी के दो रूप बताए, एक है मांसाहारी और एक है शाकाहारी, तो जब दो रूप बताने की जरूरत क्या है? दोनों का पूजा होता है ना, पवित्र का पूजा होता नहीं ना? नहीं, कभी उसने पवित्रता का पालन किया होगा? इतनी पवित्रता का पालन नहीं किया होगा जो वैष्णव संप्रदाय के लोग उसकी पूजा करें, तभी पावन बोलने आ रही है। हाँ, नारी मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना, लेकिन जगदम्बा नारी से लक्ष्मी तो बनती नहीं बाबा। एक कहते हैं स्टार्टिंग में प्रेम कांता बैल थी, हैं वो एक सीढ़ी के चित्र में समझाया इस प्रेम कांता नामक बैल थी, और उसने महाकाली का पाठ किया है, जगदम्बा का एक ही व्यक्ति तो है महाकाली और महागौरी। एक तो कहते हैं गौरी, एक कहते हैं महागौरी, एक कहते हैं काली, एक कहते हैं महाकाली, और सिखों में एक और होती है अकाली। तो ये तो नंबर वार रूप है, देवी तो एक ही है, जो अलग अलग है कन्याओं में प्रवेश करके पाठ बजाती है। ओम राधे सरस्वती। ये नंगी टांगों के रूप में एक हाथ महाकाली को है, महाकाली को नंगी टांगों के रूप में दिखा, ऐसा कैस्ट में बोलना हुआ है, नंगी टांगों के रूप में दिखाते हैं। नंगी टांगों के रूप में नहीं दिखाते हैं उसको, तो वस्त्र भी दिखाते हैं। हाँ जी, टांग कटी हुई भुजाएं वो है उनका वस्त्र। टांगों के बारे में, टांगों में जो वस्त्र पड़ा हुआ है वो कौन सा वस्त्र है? जो वस्त्र बनाया हुआ है वो किस चीज का वस्त्र बनाया है? भुजाएं, जो भगवान की भुजाएं हैं वो काट ली, उनको अपना सहयोगी बना लिया, और सहयोगी बना करके अपनी लज्जा का आवरण ढक लिया। बाबा कुछ बोला हुआ ना अभी, उसका वास्तविक रूप ऐसा नहीं है, उसने तो अपने पति भी शंकर की रक्षा के लिए ऐसा रूप जानबूझकर धारण किया। हाँ, बाबा भी तो कहते हैं माया की तुल संभाजी, क्या माया की तुल संभाजी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिसे हिंदुस्तानी में कहा जाता है प्रिया चरित्र, ये क्षत्रिया चरित्र अच्छी बात है या खराब बात है? इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? दुनिया में जो औरतें त्रिया चरित्र खेलती हैं, ये किसको फॉलो करती हैं? भारत माता को फॉलो करती हैं या जगदम्बा को फॉलो करती हैं? भारत माता को फॉलो करती हैं। भारत माता और जगत माता, आज की भाषा में कहते हैं मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया। भारतीय परंपराओं पर चलने वाली कौन है और विदेशी परंपराओं पर चलने वाली कौन है? मिस इंडिया भारत की परंपराओं पर चलने वाली, और मिस वर्ल्ड विदेशी परंपराओं पर चलने वाली। तो जो विदेशीयता है उससे प्रभावित हो जाती है अंतिम जन्मों में,
कौन सी नगरी है जो बहुत प्रभावित होती है? दिल्ली, दिल्ली। हर धर्म की आत्माओं को अपनी गोद में पालना देती है, हर धर्म के बच्चों को अपने ऊपर राज्य करने का हक देती है। बाबा है पॉइंट आया है, लेकिन प्रसाद के समय चारों ओर ठंडा पड़ी हो, उसमें जो प्रसाद करके निकलेंगे वही विजय माला में आवेगी। ठीक है, ये मतलब की एडवाइस के लिए लागू है, विजय माला में आवेगी। ठीक है, सब पुरुषार्थ में ठंडे हो रहे हो और कुछ आत्माएं तीखी हो रही हो, तो माला के मणके बनने वाली आत्माएं होंगी या सामान्य आत्माएं होंगी? हैं? माला के मणके बनने वाले होंगे। वैसे भी जब रेस होती है, लंबी दौड़ होती है, तो दौड़ने वालों की ये प्रैक्टिस होती है कि पहले पहले धीरे धीरे दौड़ते रहेंगे और लास्ट में तेज दौड़ते हैं और नंबर ले लेते हैं। और वो विष्णु एक तो भुजाओं को चलाने वाला भी होता है ना? हाँ जी, भुजाओं का मतलब भुजा का मतलब सहयोगी आत्मा है। हाँ। तो बाबा जो दड़ है विष्णु का, जो दड़ है हाँ। बाबा वो तो हुआ शंकर, और आप कैश में बोला सतयुगी भुजा, दो भुजा सतयुगी लक्ष्मी है, दो भुजा संगम लक्ष्मी। बाबा ने बोला है ब्रह्मा की हजार भुजाएं गायी हुई हैं, कोई चलाने वाला है तब तो भुजाएं चलती हैं, कि बिना चलाने वाले के द्वारा भुजाएं अपने आप चल पड़ती हैं? चलाने वाला अलग और चलने वाली भुजाएं सहयोगी आत्माएं अलग, तो जो भुजाएं हैं वो अलग आत्माएं हैं। हाँ जी बाबा, वही पूछ। तो विष्णु की चित्र में जो चार भुजाएं हैं वो ब्रह्मा के चार मुख हैं, और एक पंचानन भी गाया जाता है ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा के पांच मुख थे, एक मुख काट दिया गया, जो एक मुख काट दिया गया वो धड़ अलग हो गया और मुख अलग हो गया, माना देहभान अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई, तो वो आत्म की स्थिति वाली आत्मा जो है वो चलाने वाली हो जाती है, राम वाली आत्मा, और बाकी चार आत्माएं चार भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। बाबा जैसे बाबा बताते हैं जब स्त्री प्रधान होती है तो लक्ष्मी, जब पुरुष प्रधान का पार्ट हो जाता है तो नारायण का पार्ट, स्त्री रूप जब सामने होता है तो महालक्ष्मी गाई जाती है, और जब पुरुष रूप प्रधान होता है तो महानारायण कहा जाता है। हाँ जी बाबा, जैसे बाबा बोलते हैं भाई छोटी मम्मी में बड़ी मम्मी में ग्रंथी बहन में और प्राणी जब तक प्रवेश ना करे तब तक वो महालक्ष्मी नहीं बनती है ना, ऐसा बोलना ना? ओम राधे तो सभी देवियों में प्रवेश करती है, नौ देवियों में टाइम टू टाइम प्रवेश करती है, ब्रह्मा बाबा तो सभी देवताओं में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा की जो प्रवेशता है वो सब बच्चों में होती है, मम्मा बाबा सब बच्चों में प्रवेश करते हैं। राम वाली आत्मा तो चलाने वाली हुई ना भुजाओं को, फिर भुजा कौन कौन? ब्रह्मा के साथ सरस्वती तो दो भुजाएं हो गई ना बाबा, सरस्वती तो मध्य में आती है ना। हाँ, तो सहयोगी थी ब्रह्मा बाबा की या नहीं? कृष्ण की विशेष सहयोगी साकार में कौन रही? और वो सतयुग में भी जन्म लेगी साथ में, ऐसे यहाँ भी जो संगम युग में है विशेष सहयोगी रहती है आदि में,
जगदम्बा के रूप में। दो भुजा तो बहुत कृष्ण है, कृष्ण सतयुगी कृष्ण राधा, सतयुगी कृष्ण राधा। हाँ जी, तो दो, हाँ जी, और बाकी रह गई जगदम्बा और ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा की सोल, ओम राधे की सोल और छोटी मम्मी की सोल। छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, छोटी माता, बड़ी माता और उनमें प्रवेश करने वाली माता। हाँ जी बाबा, सतयुग के अनुसार मतलब द्वापर की प्राप्त मिलती है, सतयुग के अनुसार जो है द्वापर में मतलब प्राप्त मिलती है। हाँ जी, और त्रेता के अनुसार कलयुग की मिलती है। हाँ जी, तो त्रेता में जो मतलब चंद्रवंशी हेड है राम के रूप में, मतलब वहाँ से चंद्रवंशी डायनेस्टी शुरू करती है, तो वो उसके अनुसार फिर कलयुग में राजा बननी चाहिए। थी? जो विजयमाला की हेड है, हाँ? वो उनकी डिनास्टी तो मतलब त्रेता से शुरू होती है ना, राम के रूप में। हाँ जी, तो वहाँ पे वो राम राजा के रूप में रहती है। हुँ? तो उसके अनुसार फिर कलयुग के मतलब शुरू में मतलब विजयमाला की हेड जो आत्मा है वो राजा बन गई थी त्रेता के अनुसार, कलयुग की प्राप्त होती है। तो वहाँ राजा क्यों नहीं बनी, कहाँ नहीं राजा बनती, नहीं बन सकती, ऐसी क्या विशेषता है? ये अनुमान कैसे लगा लिया कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि कोई आत्माओं में जन्म जन्मांतर के रानी बनने के संस्कार हैं और कोई आत्माओं में जन्म जन्मांतर के राजा बनने के संस्कार हैं। जिनमें रानी बनने के संस्कार हैं उनमें प्योरिटी के संस्कार ज्यादा होंगे, और द्वापर कलयुग में जिनमें राजा बनने के संस्कार ज्यादा हैं उनमें इम्प्योरिटी के संस्कार ज्यादा होंगे। वो रुद्रमाला के मणके और वो विजयमाला के मणके है। बाबा, मुँह तो विकार है, बगैर मुँह के बगैर सेवा कैसे हो सकता है? बाबा, मुँह के बगैर सेवा कैसे हो सकता है? जैसे कि मुँह आता है, जैसे कि धान सूखने लगा, उसमें मुँह ममता लगने लगा, जल्दी उसको पटवन कीजिए। क्या कीजिए? पानी डालिए धान में, मुँह जानवर कोई भूखा रह गया तो उसको भाई जल्दी हम कैसे खिलाए? तो मुँह से लो भाई बाबा सेवा होता है। एक एक होता है विश्व कल्याण और एक होता है स्व कल्याण। एक होता है स्वारथ, अपने रथ के लिए जो किया जाए वो स्वारथ, और एक होता है परमार्थ। परमार्थ माना विश्व कल्याण के अर्थ, किसी एक के लिए नहीं, पर्टिकुलर सब के लिए। तो जो सब के लिए कल्याण किया जाएगा और किसी एक के लिए कल्याण किया जाएगा जिससे हमारा कनेक्शन जुटा हुआ है, तो पक्षपात आएगा या नहीं आएगा? पक्षपात आएगा, और जहाँ पक्षपात आएगा वो फिर विश्व कल्याण नहीं कहा जा सकता। जैसे कि चाहे पहले अपना के पास अपना भाई समझ करके वहाँ आदमी जाता है कि वहाँ सेवा करेंगे हमारा भाई निकलेगा, निकलेगा तो उस भाई में कल्याण होगा। हाँ? तो कहीं तो अपना ममत्व समझ करके वहाँ जाता है आदमी ना। हाँ, हाँ? पहले अपना परिवार को। हाँ, तो वो परिवार अपना अगर ज्ञान में पक्का हो गया तो ये भी तो समझ सकता है कि हमारा अपना परिवार आत्माओं का परिवार है। परमात्मा बाप के जो बच्चे बन चुके हैं वो हमारा परिवार है। पहले शुरू शुरू में तो बनाना ही है, उसको बनाना है, है? शुरू शुरू में तो कोई बनाना ही है, ऐसा भी होता है कोई एक सेकंड में ज्ञान उठा लेता है और कोई लंबे टाइम में ज्ञान उठा पाता है। क्या? तो जो एक सेकंड में ज्ञान उठा लेता है वो ज्यादा तीखा हुआ परमात्मा का बच्चा, या जो लंबा टाइम लगा देता है वो ज्यादा तीखा बच्चा हुआ परमात्मा का? एक सेकंड में जो उठाएगा वो तीखा होगा। तो मोह के ऊपर जीत कौन सा पाएगा? देह और देह के संबंधों का ही मोह कहा जाता है।
आत्मा का मोह नहीं कहा जाता। गीता भगवान श्री कृष्ण नए है बोल के जगदम्बा को समझाने से सुनेगी नहीं। तो शास्त्रों में भी है ये बात है। क्या सारा शशांकम बोल के एक भाग है भागवत में, सारा शशांकम सारा बोलने से बृहस्पति की पार्टी बृहस्पति की युगल उनके पास चंद्र पढ़ने के लिए आता। इधर भी अभी चंद्र पढ़ने के लिए आता है ना, सेम वही है काली। माता को समझाने से नहीं समझेगी तो गीता का भगवान चंद्र नहीं बोलने से। मुरली में बोला है कृष्ण की गीता से 2500 वर्ष में स्वर्ग क्या बन जाता है, नरक बन जाता है। ये चैतन्य गीता की बात है या जड़ गीता की बात है, चैतन्य गीता की बात है। ऐसे ही शिव की गीता से 1 सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है। गीता 2 प्रकार की हो गई, एक गीता जिसके दिल पर शिव की छाप है और एक गीता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप है। और ये छाप संगम युग में ही साबित होगी। भाव की 2 प्रकार का व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व की 2 प्रकार का होगा ना, खंडित गीता। ये तो मुरली में बोल दिया है कि गीता इस समय पूरी ही खंडित की हुई है। क्या गीता को पूरा ही खंडन कर दिया है। कितनी टीकाएं बनाई है, ढेर सारी टीकाएं, सैकड़ों टीकाएं बना दी। तो माता के रोम रोम को समझने वाला एक होना चाहिए या अनेक होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो आज घर परिवारों में जैसे हालात बने हुए हैं, बाप अगर खुदा न खास्ता परिवार में नहीं रहता तो बच्चे ही माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर बाबा 2 प्रकार की गीता आपने बताया ना, एक और छेप, एक के दिमाग पर कृष्ण के चाप और एक के शिव के चाप। यज्ञ के आदि में जब प्रजापिता गया तो प्रजा माता को भी उसका अनुसरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर उसने किसका अनुसरण किया, बच्चों का। तो भूल कहाँ से हुई, वहीं से भूल हो गई। एक बोले आदि में 10 साल आत्मिक स्थिति में रहे और एडवांस में भी स्टार्टिंग में 10 साल आत्मिक स्थिति में रहेंगे, फिर भी जैसे बाद में 10 साल आत्मिक स्थिति में रहने के बाद में 83 में 47 में वर्ष का सैंपल तैयार हुआ ना। आत्मिक स्थिति में अगर यज्ञ के आदि में स्थित हुए होते 10 साल के अंदर तो ज्ञान की क्या दरकार है। फिर बाद में भक्ति मार्ग की चलन चलने से कोई आत्मिक स्थिति में स्थित हुआ जा सकता है क्या। आत्मिक स्थिति में जब स्थित हो जाएंगे, स्व स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो असली स्वर्ग स्थापन होगा या अल्पकाल का नकली स्वर्ग स्थापन होगा। सैंपल अल्पकाल का होता है या सदाकाल का होता है, अल्पकाल का। तो अल्पकाल की यादगार अजमेर में बनी हुई है, ब्रह्मा का मंदिर और स्वर्ग का मॉडल। बाबा जी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं, बने नहीं, बने नहीं बने। तो सतयुग की पहली गद्दी उन्होंने ले ली थी। सतयुग की पहली गद्दी लेना कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो बाप की दी हुई गद्दी है क्या, गॉड फादर की दी हुई गद्दी है क्या।
वर्षा तो यही कहना है पुरुषोत्तम संबंधित नहीं, गॉड फादर प्रैक्टिकल में किसको गद्दी देता है? गॉड फादर से डायरेक्ट गद्दी लेने वाले कौन है? जो नरसे नारायण जैसे बनते हैं वो हैं डायरेक्ट बाप से गद्दी लेने वाले, और बाकी जो गद्दियां लेंगे वो सब उतरती कला की गद्दियां, वो अपने लौकिक बाप से लेंगे, भगवान बाप से गद्दी नहीं लेंगे। तो अंतर नहीं होगा? जो भगवान बाप से गद्दी लेंगे वो ज्ञानी तू आत्मा कहे जाएंगे, या देहधारियों से गद्दी लेंगे वो ज्ञानी तू आत्मा कहे जाएंगे? इसलिए मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। मैं इससे बात भी नहीं करता हूँ। वैसे तो मस्तक को दिखाया है। हाँ? बच्चा होता है तो उसको सरमाथे पे नहीं चढ़ाया जाता है? बाबा बोलते हैं लायक बच्चा यही है मेरा। जब सरमाथे पे तभी चढ़ाया जाए, उसमें कुछ उम्मीद होगी। बाप को तो बच्चों को उम्मीद रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? है रहनी चाहिए। लेकिन बच्चा जब माँ का पति बन करके बैठे तो गुस्सा नहीं आएगा? बाबा बाप तो अहंकारियों को सर पर चढ़ा कर रखते हैं। है अहंकारियों के सर तो सांप भी सर के ऊपर यूं होता है। है और फिर भी परमात्मा का आहार भी अहंकारी को होता है। जब मौका पड़ता है तो गधे को भी बाप बना लेने में कोई हर्जा नहीं है। गाय लात मारती है और दूध भी देती है, तो क्या दूध लेना बंद कर दिया जाए? बाबा एक अभी आपने मुरली में बोला फिर पांडवों के चित्र बड़े दिखाए हैं, वो विशाल बुद्धि कहते कि हाँ वो विशाल बुद्धि, तो बाबा ये राक्षसों के चित्र भी जैसे रावण कुंभकर्ण ये वो उनके देवान को बड़ा दिखाने के लिए दिखाए गए। राम को छोटा, राम और लक्ष्मण को छोटा दिखाते हैं और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को बड़ा दिखाते हैं। तो बड़ा इसलिए दिखाते हैं कि उनके देहवान को जलाने के लिए बड़ा देहवान जलाया गया। बाबा प्रश्न सीखने से क्या बोझा चढ़ता है? नहीं कोई बोझा नहीं। अंदर कचरा पड़ा रहे वो ज्यादा अच्छा, या कचरा निकाल के बाहर फेंका जाए वो ज्यादा अच्छा? प्रश्न चित्त बने रहना ज्यादा अच्छा है या प्रसन्न चित्त बन जाना ज्यादा अच्छा है? है प्रसन्न चित्त रहना अच्छा है। बाबा काली का मंदिर है गांव का पूरब की तरफ बंद, पूरब किनारे बनता है, उसका द्वार भी पूर्वे होता है। हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? काली कलकत्ते वाली होती है कि काली कराची वाली होती है? कलकत्ता पूरब में है या पश्चिम में है? फिर बाबा कलकत्ता में दुर्गा पूजा भी बहुत होता है। हाँ होता है, लेकिन महाकाली का मंदिर है स्पेशल। नहीं दुर्गा पूजा बहुत जोर से होता है, वो 7-8-9 दिन का होता है, लेकिन महाकाली का मंदिर सदा काल का बना हुआ है। उसमें 7 मूढ़ी होता है बाबा। चलो जो भी हो बाबा, दिया है 7 नारायण है गिरती कला के, तो 7 मोहड़ी भी होंगी बाबा। स्वदेशी का सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है, कारण है जो स्वदेशी होते हैं, स्वदेशी जो होते हैं उनकी विशेष खासियत क्या है? है नहीं, स्वदेशी और विदेशी में खास अंतर क्या है? है वो डाइवोर्स देने वाले होते हैं। हाँ वो व्यभिचारी होते हैं, और स्वदेशी आप व्यभिचारी होते हैं। तो कोई पत्नी हो और जीवन भर एक की बन करके रही हो, और आखिर में कोई ऐसा सभा का पड़ जाए कि उसे कहा जाए कि तुम अनेकों की बन के रहो, तो सरेंडर करेगी अपने को जल्दी? नहीं करेगी। सरेंडर है उनकी बुद्धि की बात है ना। है यहाँ पर सरेंडर है। हाँ तो बोले माँ पहले सरेंडर होगी। हाँ तो उसके विषय में बताइए। क्या विषय में बताइए? मतलब कि जो सरेंडर आत्मा है वो भी बुद्धि क्यों नहीं सरेंडर कर पाती?
तो बाबा ने बोला है कि सब कुछ समर्पण कर देते हैं, तन भी अर्पण करेंगे, धन भी अर्पण करेंगे, समय भी अर्पण करेंगे, संबंधी भी अर्पण करेंगे, संपर्कियों को भी अर्पण कर देंगे, लेकिन बुद्धि का समर्पण ये बहुत कठिन होता है। बुद्धि नहीं अर्पण कर पाते, बुद्धि फिर भी चलाते रहते हैं। बाबा है पांडवों किला ऐसा बन जाएगा कोई अपवित्र प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो कहाँ पर बनेगा? जब स्वर्ग बनेगा नरक की दुनिया के बीच में, तो उसमें नारकीय जीव बड़े उसमें प्रवेश करेंगे क्या? लेकिन यहाँ पांडवों को बोला, पांडवों को ही स्वर्ग में जाना है ना कि कौरवों को यादवों को जाना है? पांडवों को बोला, वो कहाँ बनेगा? यमुना के कंठे में बनेगा और कहाँ बनेगा?